राम राम गाइस, आज का ये ब्लॉग सुबह के 9 बजे से शुरू कर रहे हैं और आज ठंड बहुत ज़्यादा है तो सभी ये चूल्हे के पास बैठ गए हैं। आज अम्मा जी भी आग सेकने बैठे हैं। अम्मा जी राम राम बोल दिया। राम राम जी। और अम्मा जी भी आग के पास बैठ गए हैं क्योंकि आज अम्मा जी को भी ठंड लग रही है और बहन जी खाना बना रहे हैं। मौसी जी खाना खा रहे हैं। कुछ नहीं है था, गरम गरम मासी जी गरम गरम खा रहे हैं। और आज क्या बन रहा है बताओ गाइस? बंद गोभी के पराठे दिखा दो, मुझे कल सब्जी बनाई थी। और आज वीरवार है, हम घास को जाएंगे। वो मत बोलो, आप ऐसे बोलो कि आज वीरवार है गाइस, हम जाएंगे। और आज वीरवार है और पिछले वीरवार को नहीं जा पाए थे हम। मासी जी ने अपने घास वाली ड्रेस भी पहन ली। ये जो सूट है ये मासी जी ने स्पेशल घास के लिए रखा है। बेल बेल नहीं, सुनील बोलना है तो बेल बेल बस एक बार ना गाइज, बोजो कल की सब्जी बची थी उसके पराठे बनाए हैं। खोल के दिखाऊं? दिखा दो। दिखा दिए, खोल के बंद को भी इसके अंदर दिखा। ये कौन सा डालडा है? ये देसी घी है? डालडा डालडा घी आजकल अच्छा। सास बहू बना लो तो कितने का दिखाना? क्या बोल के माँ कांगोरी नाल गया? ठीक है, कांगो नाली कोई पूछ रहा मैं तिथि धुप्प नहीं आता सब बेकार जगह खुड़ा दिया। अच्छा तिथु जाना? अच्छा कांगोरी नाली जाना। YouTube फैमिली, हमने भी घास वाली ड्रेस पहन ली अपनी, ये वाली ड्रेस। इसमें ना कांटे नहीं लगते हैं क्योंकि जब घास काटने जाते हैं हम तो उसमें कांटे होते हैं जो लंबा हमने बताए नहीं थे वो होते हैं, तो इसलिए फिर ये वाले कपड़े पहनते हैं ना तो इसमें नहीं लगते हैं। बोला हम थे ना, जो बुआ जी हमारे साथ जा रहे थे ना वो तो चले गए घास को, उन्होंने आवाज़ लगाई कि चल पड़ो अभी, तो मैं तो रेडी हो गई जाने के लिए। लेकिन बहन जी अभी सही देर अपना सूट चेंज करने गए, चलो फिर देखते हैं। और मम्मी जी आवाज़ लगा रहे हैं कि आ जाओ जल्दी से, चलो फिर चलते हैं। अब आई अबड़ी आई नहीं, बेंच अभी नहीं निकले, जूते पहन लेते हैं अपने। अम्मा जी डांट पड़ेगी अम्मा से कि जब देखो वीडियो बनाते रहते हो और यहाँ आए हमने, मेरे जूते रखे हुए पता नहीं कहाँ गए मेरे जूते जूते तो। और ना जूते पहनना भी जरूरी है, अगर हम जूते नहीं पहनेंगे ना तो हमारे पैरों में पत्थर कांटे लग जाएंगे, इसलिए जूते पहनना भी जरूरी है। चल जल्दी कर, सारे चलिए ड्रेस बॉक्स वाली। ताल के मम्मी जी देखना लग रही है, क्या लग रही है करना? अम्मा देखी क्या ताल के मीजो पर आते ठीक अम्मा जी? अम्मा जी बोल रही हूँ मैं देखूंगी कितना कितना घास लेकर आओगे आप। ये हमारी भैंस तरेटे भी बड़े बड़े ले आने हैं अम्मा जी।
बुनीच ये तो चूड़ी वहां रखनी है। और ये कांटे दिखाओ, इसको गर्मी के कंडे बोलते हैं। चुभ गया ना पैर में तो फिर बहुत दिनों तक पहन नहीं जाते। ये दूर से कपड़े खराब हो गए। तो YouTube फैमिली फेंक दिया हमने गोबर और मासी जी पहुंच गए। मासी जी कितनी आगे पहुंच गए, लग जाएगा हमें रास्ते का पता। भागो भागती भागो मत तो। और इन खेतों खेत में दुरुसी इन खेतों में ना गेहूं बोई हुई है। देखो दिखाओ खेत जरा, ऐसे दिखाना तो कुछ नहीं है। और है खेत में कुछ भी नहीं, सुअर ना। YouTube फैमिली जानती होगी सुअर किसको बोलते हैं? हाँ जानते होने सुअर को। हाँ जो सुअर होते हैं ना वो ऐसे खुदाई कर करके इससे बीज निकाल लेते हैं सारे। रही बची कसर, जो चूहे होते हैं ना वो भी होते हैं खेत में, और वो भी खा जाते हैं फसल और गड्ढे डाल देते हैं। देखो कितने बड़ा बड़ा गड्ढा है, यहाँ दिखाओ। ये सुअर ने किया है ये काम, है ना सुअर का काम है। हाँ और धूप भी निकल गई, अब हमें ठंड भी नहीं लगेगी, अब गर्मी लगेगी थोड़ी देर बाद। हाँ और मैं तो बहन जी को बोल रही थी कि चलो स्वेटर डाल के चलते हैं, ठंड लगेगी खेत में। लेकिन फिर हम डाल के नहीं आए, अच्छा हुआ हम स्वेटर डाल के नहीं आए। ऊपर से गया है मासी जी या नीचे से? रास्ते का पता नहीं चल रहा है ऊपर से। चलो तो ये एक कमेंट आया था, कौन सा वाला देखते हैं कहाँ देख रहे हैं बहुत सारे लोग हैं। ये ना वो है जो खैर काटने आए हैं ना लकड़ी, वो वाले लोग हैं ये। और बताओ कि क्या कमेंट आया था। हाँ कमेंट आए थे जब हम घास काटने गए थे कि आप घास काटने में जाया करो, घर का ही काम किया करो। अब हमने हमारे पास भैंस है तो उसके लिए घास तो काटना ही पड़ेगा, जब दूध और घी खाना है तो घास भी काटना ही पड़ेगा। हाँ और हमें अच्छा लगता है, हम रोज भी नहीं जाते, हम रोज भी चले जाएं तो क्यों, रोज भी कुछ नहीं है तो दूध भी तो रोज ही पीते हैं हम, मायके में भी तो जाते ही थे। हाँ और फिर कमेंट आया था कि आपकी नई नई शादी हुई है आपको घास काटने जाना पड़ रहा है ऐसा वैसा। हमें अच्छा लगता है जब हम घास काटने जाते हैं, क्योंकि हम रोज घर पर बैठे रहते हैं, कपड़े स्टिच करते रहते हैं, तो हम सोचते हैं कि कहाँ हमें कहीं बाहर मिले जाने को। तो सभी वैसे खेत में मिलते हैं, हमें खेत में भी अच्छा लगता है, सभी मिलते हैं, साथ में बातें करते हैं, साथ में घास काटते हैं और मिलकर आते हैं हम। नीचे भी है घास पे लगे हुए। हाँ कितने लोग, मम्मी जी आवाज लगा रहे हैं कि काट लिया घास, तो हमें घास काटना अच्छा लगता है। ये वाली जगह लगती है इसमें ना घास अच्छा। हाँ गंदे वाला घास, सूखा सूखा घास है, पूरा कपड़ों के साथ चिपक जाता है। एक नीचे भी अच्छा लगता है। हाँ दिखाएंगे हम। और अम्मा जी बोलती हैं कि इनको इस रुट्टे में ले, इस रुट्टे मतलब जहाँ घास है ना उसको रुट्टा बोलते हैं, इस रुट्टे में लेकर मत जाना कहीं गिर गई तो। हमने कहा हम नहीं गिरते, आगे तो हम स्ट्रोंग है हम। और बस यही कमेंट था, आप प्लीज़ ऐसा कमेंट मत करना दोबारा। दीदी जी है वहाँ पर। दूसरा कमेंट ये था कि आप तैयार हो के ब्लॉग बनाया करो और लिपस्टिक भी लगाया करो। तो क्यों नहीं लगाते हो आप लिपस्टिक? लिपस्टिक लगाते थे वैसे, पर हमने सोचा कि रोज ही तो ब्लॉग डालते हैं, रोज ही कैसे लिपस्टिक लगाएं हम, क्योंकि लिपस्टिक अच्छी भी नहीं होती है रोज़ रोज़ लगाने के लिए। इसलिए फिर हम सोच रहे हैं कि हम नहीं लगाया करेंगे अब, कभी लगा लेंगे करेंगे। हाँ वैसे रोज हमारे रोज भी लिप्स ना ड्राई हो गए हैं लिपस्टिक लगा लगा कर, और लिपस्टिक हमें सूट भी नहीं करती इतनी ज़्यादा। हाँ कभी कभी लगा लिया करेंगे वैसे आपकी खुशी के लिए। हाँ वो देखो, हाँ लिपस्टिक में वैसे अच्छे लगते हैं, पर हाँ अब रोज ही तो बनाना है ब्लॉग, तो आप ऐसे एक्सेप्ट कर लो हमें।
मैं व्यू दिखाती हूँ कहाँ जा रहे हैं हम। ठीक है चलो चलो। दीदी जी बोले क्या बोले मजे मजे ने लो ने। ठीक है नीचे तक दिखाओ। नीचे तक तो दिखा दिया पर आराम से चलेंगे ना, हमें आदत भी है वैसे भी ऐसे रास्तों पे चलने की, पर बड़ा टाइम हो गया हम आए नहीं ऐसी जगहों पे। दीदी जी को यहाँ पर पुल्ला मिल गया, रुक जाओ एक मिनट रुक जाओ, फंस गए ना आप, देखो कैसे उतर रहे हैं, भागो भागो। दीदी जी का गाना सुनाते हैं वहां जाकर। बकरी मार दी तेने तू हुंदी धक्का देते तो बुन। अब वो आई लगो घास काटने, चलो बड्डी लेना ही बड्डी चलिए लाज ना करना फिर अकेले अंदर एक बड्डी लंगी तेरा मैं क्या बढ़ना तू चलिए थके बढ़ गई मैं थके मैं बढ़ गई उतर बदाना ला रहा। अच्छा रास्ता लाया, रास्ता साफ कर रहे हैं हमें नीचे जाने के लिए। बहन जी तो बैठ गए क्योंकि मम्मी जी रास्ता साफ कर रहे हैं ना हमारे नीचे जाने के लिए, इसलिए वो बकरियां ऊपर बकरी छलांग ही ना लगा ये रुड़ाई ने आए बुनो पत्थर नहीं पत्थर ही नहीं फेंक दे सूरी है जी बकरी। अच्छा कितने बच्चे कितने हो सेती दिखने लग नहीं मेरे का ये है चिटिया है दो बच्चे बढ़िया सोना जी। अच्छा खेल खेली बहन भाव तो YouTube फैमिली घास काट ली हमने और हमारे रेटे भी बंद किए वहाँ रखे हैं पीछे मासी जी ने बांधे और 9 बजे आ गए थे हम घर से 10 हाँ तो अभी टाइम हो रहा है 11 बज रहे हैं अभी और 9 बजे आए थे हम घर से। आप क्या बंद किया रेटा कहाँ जा रहे हो अब? मासी जी मूंगफली लाए हैं खाने के लिए खेत में। दीदी जी भी आ गए मुझे भी दो।